हेलो। हाँ, सभी लोग वापस जुड़ जाएं। बीच में किसी टेक्निकल एरर के कारण जो क्लास है वो रुक गई थी, क्षमा चाहेंगे। आप लोग वापस से सभी बच्चों को, अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लिया करो और चैनल देख लिया करो। जरूर जो है वो क्लास हम अतिशीघ्र दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मेरे को दिखाना सर, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं क्या? आपके फोन में दिखा दो, मेरे वाले में हुआ नहीं। लाइव तो कोई दिखाई नहीं रहा मुझे तो। शुरू किया नहीं आपने? शुरू करो। हमने ये बात कर ली थी कि महाराणा प्रताप ने जो चार जो है प्रतिज्ञाएं करी अपने राज्याभिषेक के दौरान, और ये बात किसको पता चल गई? गुप्तचरों के माध्यम से अकबर को। अकबर ने 1570 में नागौर के अंदर शुक्र तालाब के किनारे नागौर दरबार लगाया था, और इस दरबार में दो राजा ऐसे थे जिन्होंने आकर के अधीनता स्वीकार नहीं की। पहला तो उदयपुर का मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह जो है महाराणा प्रताप का बाप, इसने यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और दूसरा राजा था वही राव चंद्रसेन, कहां का? मारवाड़ का। उदय सिंह तो उस दरबार में गया ही नहीं था। राव चंद्रसेन, हिम्मत देखो इसकी, ये उसके दरबार में भी गया लेकिन अधीनता स्वीकार किए बिना, बिना कुछ बताए अकबर को वापिस लौट आया। कहते हैं कि राव चंद्रसेन जब अकबर के नागौर दरबार में जाने के लिए गया तो दरवाजे में एक छोटी खिड़की लगवा रखी थी अकबर ने, ताकि कोई भी राजा आए तो वो झुक करके और अकबर के सामने पेश हो। राव चंद्रसेन ने उस खिड़की से पहले पहले सिर नहीं निकाला, पहले पैर निकाले ऐसे, फिर बैठा आगे होकर के, फिर खड़ा हुआ। राव चंद्रसेन ने अपना सिर नहीं झुकाया। अकबर यह बात देख के हंसा। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल जो थे, उनका एक बेटा था पृथ्वीराज कछवा। उसने पगड़ी उतार के और अपनी बाहों में ले ली, फिर अकबर के सामने झुका। अकबर हंसा क्योंकि उसका बाप जो है वो अपनी पगड़ी अकबर के पैरों में रख के अधीनता स्वीकार कर चुका था। तो अकबर ऐसा बोला, तेरी क्या औकात है, तुम इस तरीके से पगड़ी उतार करके मेरे सामने सिर झुका रहा है? तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा भाई भी अधीनता स्वीकार कर चुका है। तो उसने कहा कि जहां पर ना क्षमा करे, ये पगड़ी जिसने दी है वो अभी तक आपके सामने नहीं झुका है, और जिस दिन वो झुक जाएगा ये पगड़ी भी आपके सामने झुक जाएगी। अकबर ने पूछा ही नहीं किसने दी है, क्योंकि पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। एक ही बचा था, कौन? मेवाड़। और वो पगड़ी दी हुई थी मित्रों महाराणा प्रताप की, ठीक है? तो मेवाड़ के उदय सिंह को झुकाना या महाराणा प्रताप को झुकाना अकबर का मुख्य उद्देश्य बन गया था। यानी कि पृथ्वीराज ने इसको, हाँ जी सुनील जी, आप बता रहे हो महाराणा प्रताप का आगामी, आगामी नहीं, इनको कहा जाता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है इनको, अग्रगामी, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है इसको, क्योंकि महाराणा प्रताप इन्हीं के कदम चिन्हों पर चलते हुए मेवाड़ की रक्षा की थी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का पक्ष पथ प्रदर्शक कहा जाता है, इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है इसको,
राजस्थान का भूला बिसरा राजा, ये सारी बातें हम मारवाड़ के इतिहास में करेंगे कि इनके क्या उपनाम है। अभी तो हम सिर्फ महाराणा प्रताप की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। चलिए फिर राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप की तरफ ध्यान आकर्षित हो गया, किसका? अकबर का। और अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत भेजने शुरू कर दिए। अकबर ने सबसे पहले वाक चतुरता में निपुण अपने दूत को जलाल खां कोरची को 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा। जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। खैर, असफल तो सभी रहेंगे, लेकिन पहला दूत था और समझाने में कैसा रहा? असफल। महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं मान रहा। अब दूसरे अभियान के लिए मान सिंह, ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था, राजपूत था। मान सिंह को महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा। असल बात यह थी कि मान सिंह उस समय डूंगरपुर में किसी अभियान में गए हुए थे, डूंगरपुर के किसी क्षेत्र को जीत विशेष जीतने के लिए गए हुए थे। मान सिंह डूंगरपुर अभियान से आते समय महाराणा प्रताप से मिला था 1573 में, जून 1573 है मित्रों, ये जून 1573 में मान सिंह जो है वो डूंगरपुर अभियान पर गया हुआ था। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि मान सिंह कहां से आता हुआ वापस मिला था महाराणा प्रताप से, तो डूंगरपुर अभियान गया हुआ था। और उदय सागर झील की पाल पर मान सिंह की भेंट है। किससे हुई थी? अकबर से हुई, महाराणा प्रताप से हुई थी। लेकिन मान सिंह को उस समय शाम को रोक लिया गया, यानी मान सिंह शाम को वहां रुक गए अपनी सेना के साथ। और मान सिंह का जो आवभगत है वो महाराणा प्रताप के दरबार में बहुत अच्छा रहा, लेकिन मान सिंह के साथ भोजन करने के लिए महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए। और जब मान सिंह ने यह पूछा कि महाराणा कहां है, तब देखिए महाराणा प्रताप ने तो अमर सिंह को सीधा सीधा यह कहा था कि उसको साफ साफ कह देना कि तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हो, तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर चुके हो, और तुम अपनी बहन बेटी को भी और भुआ को भी मुगलों के ब्याह चुके हो, तुम आधे तुर्क हो, और इसलिए हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे। तुम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा चुके हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे। लेकिन अमर सिंह ने अपनी मां अजब दे पंवार के कहने पर बहाना मारा कि पिताजी को क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और इसलिए वो भोजन करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। मान सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम भोजन नहीं करेंगे, मुझे पता है सिर दर्द किस बात के लिए हो रहा है, और मैं अगली बार जब मेवाड़ आऊंगा तो सिर दर्द की दवाई भी लेकर आऊंगा। ठीक है, कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि पेट दर्द होने का बहाना मारा था और उसने कहा कि पेट दर्द के लिए चूर्ण भी लेके आऊंगा। तो अमर सिंह ने अपनी आधी तलवार निकाली, बोला तुम दूत बन के आया है इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हारी धड़ और सिर ऐसे सलामत नहीं रहता, तुम्हारा सिर जो है वो धड़ पर नहीं रहता, दूत बन के आए हो इसलिए छोड़ रहा हूं, और अगली बार आओ ना तो तुम भी आ जाना और तुम्हारे फूफे को भी ले आना। अकबर के लिए उसने ये बात कह दी और ये बात मान सिंह के दिल में बैठ गई।
आगे जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर अपना सेनापति बना मुख्य सेनापति बनाना चाहेगा आसफ खां को, लेकिन मान सिंह जो है वो हाथ जोड़ के निवेदन करेगा कि इस युद्ध में मुझे मुख्य सेनापतित्व का मौका दिया जाए और मैं महाराणा प्रताप को हर संभव पकड़ के मार के लाऊंगा। फिर मान सिंह और आसफ खान दोनों के कहने पर मान सिंह को मुख्य सेनापतित्व का मौका दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति बनकर आएगा ये। अच्छा, इस अनबन का उल्लेख जो है वो अमर महाकाव्य वंशावली में भी मिलता है। अमर महाकाव्य वंशावली में भी मिलता है। गोपीनाथ शर्मा मान सिंह की मुलाकात गोगुंदा में बताता है। जी जरूर, गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि मान सिंह महाराणा प्रताप से गोगुंदा में मिले थे। मान सिंह लगभग 18 दिन तक महाराणा प्रताप को समझाने के लिए रुका था, ठीक है। तो हो सकता है एक बार गोगुंदा में भी मिलके उसने प्रयास कर लिया हो, लेकिन असली बात यह है कि मान सिंह उदय सागर झील के किनारे ही महाराणा प्रताप से मिला था। अच्छा, डूंगरपुर अभियान से आ रहा था, ये याद रखना। इसके बाद में भगवंत दास, कई किताबों में इसका नाम भगवान दास भी मिलता है। कई किताबें क्यों, मैं सीधा सीधा नाम बता देता हूं। मुंतखब तवारीख में जो है वो इसका नाम भगवान दास मिलता है। भगवंत दास या भगवान दास, इसको तीसरे अभियान के रूप में सितंबर 1573 को भेजा गया, लेकिन भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा, तो लास्ट में इसने टोडरमल को भेजा। मित्रों, टोडरमल जो है वो अकबर का उस समय वित्त मंत्री था, केंद्रीय वित्त मंत्री था अकबर का टोडरमल, और इसको आय व्यय का हिसाब बड़ा अच्छी तरह से आता था। वित्त मंत्री उसी को बनाया जाएगा ना जो आय व्यय का हिसाब बहुत अच्छी तरह से रख पाए। फिर से रुक रहा है सर, देखना। वित्त मंत्री बनाया गया था। अब देखो इसने क्या किया, सही चल रहा है, इसने क्या किया कि मेवाड़ की आर्थिक जो स्थितियां हैं उसके डाटा इकट्ठे किए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उसने एक नक्शा लिया और नक्शे में यह कहा, देखो महाराणा, मेवाड़ में तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, कृषि योग्य भूमि तो मेवाड़ में 20% ही है, 20% भूमि से आप कितना टैक्स इकट्ठा करोगे, कितनी सेना इकट्ठी करोगे, अकबर के पास इतनी सेना है, अगर तुम युद्ध युद्ध लड़ोगे तो मेवाड़ के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये सारे डाटा जो है इनकी एक ना सुनी। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया, और इसके साथ ये भी संदेश भेजा दिया कि आगे से कोई ऐसा दूत कृपया करके मेरे दरबार में ना भेजें जो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मुझे समझाने आए। ये दिसंबर 1573 में आया था, यानी पहला 1572 में आया था, फिर मार्च, सितंबर और दिसंबर 1573 में इस तरीके से चार दूत जो है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे मुगल दरबार से। क्या वो महाराणा प्रताप को समझा पाए? नहीं समझा पाए। चलिए, अच्छा, आपने महाराणा प्रताप के गुरु का नाम सुना है क्या? महाराणा प्रताप के राजनीतिक गुरु, जैमल मेड़तिया है। मित्रों कौन है? महाराणा प्रताप के राजनीतिक गुरु का नाम है मित्रों जयमल मेड़तिया।
कौन सा मेड़तिया? जैमल मेड़तिया। अब देखना, जब महाराणा प्रताप को समझाने में चारों दूत असफल रहे तो अकबर ने यह निश्चय किया कि महाराणा प्रताप कैसे मानेगा? युद्ध से मानेगा। और युद्ध के लिए उसने 1576 के सन में टाइम निकाला। युद्ध की सारी योजना अकबर के किले मेघजीन दुर्ग में बनाई गई मेवाड़ की तरफ से। मेवाड़ की तरफ से युद्ध की जो योजना है, युद्ध की योजना मेघजीन दुर्ग, मेघजीन दुर्ग में बनाई गई थी। और मेघजीन का दुर्ग कहाँ है? अकबर का किला भी इसको कहते हैं, ये अजमेर में है। अकबर का किला भी इसको कहते हैं और ये कहाँ है? अजमेर में है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, बाकी का हम कल जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे। आज मेरी काफ़ी इच्छा थी कि जो है वो महाराणा प्रताप को बड़े ही लगातार तरीके से कराया जाए। बीच में लाइव बंद भी हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा सारा वीडियो जो है वो पूरे मेवाड़ के इतिहास का आपको अवेलेबल करवाएं। हम आगे भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बीच बीच में जो है वो टेस्ट वाले प्रश्न और ऐसी चीज़ें भी अगर लेके आओ तो चार चांद लग जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हम जरूर लेके आएंगे, लेकिन कम से कम मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाए।